everyone my name is nas and i welcome to you in my channel Parshala. so today i'm going to take general english that will be the part of a speech so what is the part of a speech in english and about their kinds so in this video i'm going to teach you noun pronoun adjective verb adverb prepositions conjunction and so on सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट एस नो अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच सो जब कभी भी अगर हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं सो वहाँ पर जो है रूल और रेगुलेशन होते हैं बेसिक जिसपे कोई भी लैंग्वेज डिपेंड होती है सो इन द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज सो देर आर पार्ट ऑफ स्पीच आर देर वर्ड्स आर डिडेड इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ स्पीच सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में डिपेंड होती है मोस्टली वर्ड्स जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं सो देर आर एट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच सो इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड एट पार्ट ऑफ स्पीच आर देर एर अकोर्डिंग टू द सीरीज और फर्स्ट नाउन प्रनाउन एडजैक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रिपोजिशंस कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन सो ये जो एट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है मोस्टली वो पार्ट ऑफ स्पीच पर ही डिपेंड करता है इफ़ यू आर मास्टर इन एनी लैंग्वेज इस्पेशली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज दैन यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट नाउन प्रनाउन

और जो आपका डिटेल जो वीडियो है वो वन बाय वन आई विल टेक अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच सो बिफोर वी आर गोइंग टू जस्ट गेट थ्रू द नॉलेज अबाउट इट सो नाउन ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग फॉर एग्जाम्पल सो नाउन वो होता है जो हमेशा नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग अगर इन सिंपल वे में बात करें तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन जितने भी दुनिया में नाम हैं चाहे वो पर्सन के हैं प्लेस के हैं या फिर थिंग्स के हैं वो सभी नाउन होते हैं अशोका कानपुर चेयर बुक इंडिया राइट right? किसी भी पर्सन का नाम ले सकते हैं आप सो so, जितने भी दुनिया में नेमिंग वर्ड्स हैं चाहे वो थिंग्स है चाहे पर्सन है प्लेस है वो सभी नाउन कहलाते हैं नाउन भी जो है कई तरीके के होते हैं सो so, देखते हैं मोस्टली जो है फाइव काइंड होते हैं नाउन के फर्स्ट प्रॉपर नाउन इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंक प्रॉपर नाउन दैट्स मीन किसी भी चीज़ का जो है नेम अगर वो परमानेंट है पर्टिकुलर है तब वहां पर चाहे वो पर्सन का नाम हो चाहे वो प्लेस हो चाहे वो थिंक हो फॉर एग्जाम्पल डेली हिमालिया अमेरिका समीर साहिल लाइक दिस, सो ये सारे नेम जो है प्रॉपर नाम मतलब जिसको अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज का नेम देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है कॉमन नाउन इट इंडिकेट्स एनी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमन नाउन मतलब उसका कोई फिक्स जो है नाम नहीं होता है आप कॉमनली बुलाते हैं जैसे डॉक्टर है टीचर है सो so डॉक्टर टीचर कोई भी हो सकता है मेल भी और फीमेल भी बॉय टाउन मार्केट एक्सेट्रा तो यहाँ देखिए आप बिल्कुल कोई भी जो है प्रॉपर नाम नहीं है कॉमन है कलेक्टिव नाम इट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंक ऑफ द सेम काइंड सो कलेक्टिव मतलब ग्रुप कलेक्ट का मतलब ये होता इकट्ठा होना सो so, ग्रुप जब कभी भी आप बात करते हैं चाहे नेम ऑफ कलेक्शन हो चाहे लोगों का ग्रुप हो थिंग्स का ग्रुप हो या फिर काइंड्स जितनी भी होती हैं उनके बारे में फॉर एग्जाम्पल क्लास तो क्लास किसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्राउड मतलब भीड़ भीड़ कोई भी हो सकती है टीम टीम कभी भी एक से नहीं बनती है ठीक है बंच मतलब गुच्छा तो so ये सारे कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं मेटेरियल नाउन इट कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और मास जब कभी भी मेटेरियल क्वांटिटी जिसे अनकाउंटेबल होता है मेटेरियल का मतलब होता है अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते थे एक क्वांटिटी होती है वीट मतलब आटा मिल्क दूध टी एक्सेट्रा तो जाहिर सी बात है आटा है मिल्क है टी है ये अनकाउंटेबल होते हैं सो तो इसीलिए अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं सो तो वो चीज़ जो हम काउंट नहीं कर सकते मिल्क है टी है आटा है सो so ये सारे मेटेरियल के अंदर आते हैं स्ट्रेट नाउम इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी स्टेट और कंसेप्ट विच वी कैन नाइदर सी नोट टच बट वी कैन ओनली थिंक और फील इट स्ट्रेट नाउम वो होता है जो कभी भी हम उसकी क्वालिटी के बारे में उसकी कंडीशन के बारे में उसकी सोच के बारे में सोच सकते हैं हम ना तो उसे टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं ठीक है हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं तो अब स्टेक नाउन वो होता है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं जो हमारे सोच को शो सो करता है जैसे खुशी दुख ठंडा गरम हवा ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं ओके okay? सो so, ये सारे जो नाउन से ये फाइव काइंड्स हैं लेकिन नाउन जो है मोस्टली तीन तरीके के और होते हैं जो हम देखते हैं मोस्टली

जिसमें मेटेरियल नाउन और अबस्ट्रेट नाउन आता है नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कोल्ड अनकाउंटेबल नाउन सो वो नाउन आता है इसमें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसमें कौन सी कैटेगरी आती है मेटेरियल और अबस्ट्रेट ओके सो जब कभी भी आपको ये याद रहे कि भाई नाउन जो है काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा आता है सो कॉमन एंड कलेक्टिव और अनकाउंटेबल में मेटेरियल एंड अबस्ट्रेट ओके सो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्रेनाउन प्रनाउन इट इज अ वर्ड यूज इंस्टीट ऑफ अ नाउन प्रनाउन वो कहलाता है जो हम नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे प्रनाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अमर इज अपसेंट बिकॉज ही इज इल सो यहाँ पर जो ही यूज हुआ है ये यूज हुआ है अमर के लिए ओके okay? सो so, ये क्या है प्रनाउन ओके okay? काइंड ऑफ प्रनाउन तो प्रनाउन कितने तरीके के होते हैं देखते हैं हम पर्सनल प्रनाउन तो यहाँ पर फाइव काइंड रखे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है वर्ड वी सब्सटीट्यूट फॉर नाउन रिफेरिंग टू पर्सन वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं स्पेशली रिफेयर करते हैं पर्सन को मतलब इंसानों के लिए जब यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आई वी यू ही शी इट दे एक्सेट्रा इंट्रोगेटिव प्रनाउंस मैं जो है आप लोगों का डिटेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच लूंगी एक एक पॉइंट करके जिसमें हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या की कौन कौन सी चीज क्या होती है बट दिस टाइम आई एम गोइंग थ्रू द होल पार्ट ऑफ स्पीच ओके बिकॉज इफ आई विल जस्ट कवर अप द फुल सेंटेंस और फुल यू नो टॉपिक इट विल बी द बेग more and more confused to you so for that just i'm just taking go through this interrogative pronoun jo next hai second interrogative pronoun words which substitute for noun and ask question so interrogative ka matlab hi hame pata hota hai ki question puchna hota hai तो वो wo words जो noun की जगह काम करते हैं question पूछने का for example who what or which सभी तीनों वर्ड जो आता है हु डिस्कवर्ड अमेरिका वट इज दिस अमेरिका को किसने जो है डिस्कवर किया खोजा वॉट इज दिस क्या है सो हु वट और विच इंट्रोगे रिलेटिव प्रणाम वर्ड विच रिलेट टू एंड सब्सिट्यूट फॉर नाउन्स जो नाउन से रिलेट करते हैं और उसकी जगह यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हु विच एंडट द मैन हु एंटर द हाउस द मैन हु एंटर तो ये रिलेट कर रहा है नाउन से यहाँ नाउन है द मैन हु जो है द मैन के लिए आया है एंटर द हाउस द बुक विच आई नीड तो यहाँ द बुक के लिए विच यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन जो इससे कनेक्टेड है ओके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे आर यूज टू पॉइंट टू पीपल और थिंक दे स्टैंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब वो है जो किसी भी पर्सन को पर्सन को या फिर थिंग्स को जिसके लिए वो यूज होते हैं उसको पॉइंट करता है एज दिस दोस्त एक्सेट्रा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पैन तो आपने पॉइंट किया है दिस इज माई पैन ये मेरा पैन है लाइक दिस दैट इज आवर न्यू हाउस वो देखिए हमारा नए घर को तो आप पॉइंट आउट कर रहे हो किसी चीज को तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होता है इंडिफिनेट प्रनाउन दोज वर्ड नाउन एंड आर जनरली कंसिडर्ड वैग एंड जनरल रेदर देन स्पेसिफिक इन मीनिंग सो ये कह रहा है वो वर्ड्स जो आप एज ए सब्सटीट्यूट यूज करते हो मतलब उसके जगह पर यूज़ करते हो नाम की जगह पर जो ये माना जाता है कि वो जनरल होता है बजाय एक पर्टिकुलर या इस्पेशल मीनिंग के फॉर एग्जाम्पल नो बडी एनी वन सम वन इधर नीदर एनी फ्यू बॉथ अदर एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल सम वन हैज स्टोलन माई वॉच किसी ने मतलब आपने यहाँ ये नहीं बताया है किसने तो यहाँ पर जो है एज अ जनरल के तौर पर यूज हुआ है सम वन हैज स्टोलन माई वॉच किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया है नो बडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड उस बच्चे को किसी ने भी जो है नहीं बचाया मतलब वहां पर बच्चे को बचाने के लिए कोई भी नहीं था सो so, फिफ्थ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिक्स है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रनाउन सो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक क्या होता है इट इज फोन बाई अटैचिंग सेल्फ सेल्स टू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रनाउन ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिव प्रनाउन वो होता है जिसके आगे हमेशा सेल्फ या फिर सेल्स जुड़ा हुआ होता है वैन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टन बैक रिफ्लेक्स, अपॉन द सब्जेक्ट आर कॉल रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रनाउन इज यूज फॉर शेक ऑफ एम्पसाइजिंग ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में थोड़ा सा फर्क होता है वो क्या होता है अगर सब्जेक्ट ने उस काम को खुद किया है तब तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है और एम्पैथिक उस कंडीशन में होता है जब वो किसी चीज को एम्फेसाइज करता है फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ सेल्स हिम सेल्फ देम सेल्फ सेल्फ फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ सो यहाँ देखिए आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को ही तकलीफ पहुंचा दी दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव दे एन्जॉयड डैम उन्होंने खूब मज़ा किया तो जब कोई काम हम खुद करते हैं अपने लिए वो रिफ्लैक्सिव में आता है और अगर कोई काम हम मिलकर करते हैं उसमें दूसरा पर्सन डिपेंड होता है दे एन्जॉयड डैम उन्होंने जो है मज़े किए तब जो है वो एम्पैथिक होगा सो so, एम्पैथिक और रिफ्लेक्सिव दोनों में सेल्फ और सेल्फ यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव सिक्स नंबर पे जो है दे टू इंडिविजुअल और वन एट ए टाइम ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एट टाइम में एक ही प्रेजेंट शो करता है एंड सच एज दे आर ऑलवेज सिंगुलर और वो हमेशा सिंगुलर होते हैं एंड टेक देयर वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं जैसे कि इधर एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉय गेट्स प्राइज अब यहां देखिए इच यूज हुआ है इसीलिए यहां पर सिंगुलर जो है वर्ब यूज हुआ है एवरी मैन मस्ट हेल्प हिमसेल्फ इन सर्विंग फूड ठीक है नाउ टेक द एड्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव फर्स्ट जो है सेवन काइंड होती है एडजेक्टिव की सो so, देखते हैं एडजेक्टिव आर मेनली वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रनाउन एडजेक्टिव वो वर्ड कहलाते हैं जो हमें नाउन और प्रनाउन के बारे में डिटेल देते हैं या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर एग्जाम्पल अमर इज अ क्लेवर बॉय सो अमर तो है ही हमें पता है लेकिन वो क्या है क्लेवर बॉय है सो बॉय यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर ये यह इसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड क्लेवर he gave me five mangoes. So mangoes noun है और ये इसको explain कर रहा है कि भाई कितने दिए five mangoes. So adjective वो word होते हैं जो noun और pronoun दोनों के बारे में extra information देते हैं या फिर quality को define करते हैं okay? So first demonstrative adjective. It points out which person or thing is meant. डेमोन्स्ट्रेटी का मतलब है ये उस चीज़ को या उस पर्सन को जो है पॉइंट आउट करते हैं जिससे हमें मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोज सच एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय इज स्ट्रॉगर देन ए मैन तो वो लड़का जो है उस आदमी से ज़्यादा स्ट्रोंगर है दीज मैंगोज आर सॉर तो आप बता रहे हैं कि ये वाले मैंगो जो है वो काफी हैं वो काफ़ी खट्टे हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो आप रिफर करते हैं उनमें से एक ईच एवरी आदर ना ईदर एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय मस्ट टेक टर्न। एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स उसका हर वर्ड जो है वो फॉल्स है क्वालिटीटिव एड्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दोनों का सेम ही है कई पर्सन इसे क्वालिटेटिव कहते हैं कई डिस्क्रिप्टिव कहते हैं इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग ये हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में क्लास के बारे में या पर्सन की या थिंग्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं इसीलिए इसको क्वालिटेटिव कहा जाता है स्क्वेयर फेट गोल्डन गुड हैवी एक्सेट्रा ही इज एन ऑनेस्ट मैन बॉम्बे इज अ लार्ज क्वालिटी तो क्वालिटी के बारे में जो बताते हैं वो क्वालिटी कहलाता है क्वांटिटिव जाहिर सी बात है इसमें क्वांटिटी के बारे में बताएंगे इट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मैन मतलब आपका कितना मतलब है कितनी क्वांटिटी है सम एनी नो लिटिल फ्यू मेनी मच वन 20 एंड एसेट्रा फॉर एग्जांपल आई एट सम राइस ही हैज़ लिटल इंटेलिजेंस तो आपने क्वान्टिटी बताई है कितनी है कितनी नहीं है न्यूमरल दैट्स मीन एड्जेक्टिव ऑफ नंबर जो नंबर के बारे में बताते हैं इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मैंट मतलब आप कितने पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कितनी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और इन वर्ट ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड और वह कितने नंबर पर आ रहा है कितने नंबर पर नहीं आ रहा है इन सभी सिक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल द हैंड्स

गो हम किस वे के अंदर जा रहे हैं पजिजिव एड्जेक्टिव इट इंडिकेट्स बिलोंगिंग और पजिजन्स जब कभी भी आप किसी चीज की शो करते हैं चीज मेरी है या उसकी है स्वामित्व आप ऑनरशिप जब शो करते हैं तब यूज होता है माई योर हेज हर इट्स अवर योर देर एंड एक्सेट्रा वर्ब जो फोर नंबर पे है हमारा इट इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग वर्ब जिसके बिना इंग्लिश में जो है एक्शन वर्ड ही नहीं होते हैं ठीक है सो so, वर्ब वो होते हैं जो हमें किसी भी पर्सन के बारे में थिंग्स के बारे में प्लेस के बारे में बताते हैं आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटर द बॉयज आर प्लेइंग जो सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब सो so फर्स्ट है ट्रांजेटिव वर्ब इट इज़ अ वर्ब दैट डिनोर्ट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट ट्रांजेटिव वर्ब वो होती है जो अपने वर्क को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाता है और सब्जेक्ट जो है मेन होता है द बॉय किक्स द बॉल तो यहाँ पर देखिए द बॉय किक्स द बॉल तो यहाँ पर मेन काम सब्जेक्ट का है और सब्जेक्ट के थ्रू क्योंकि सब्जेक्ट ने किक्स मारा है किसको बॉल को सो so इसीलिए ट्रांजेटिव वर्ब है ये वर्ब है ही राइट्स अ लेटर तो वो क्या लिखता है ए राइट्स बुक उसने वो बुक को लिखता है इन ट्रांजेटिव वर्ब इट इज वर्ब दैट डिनोट्स डी नक्शन विच ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बींग अब ये कह रहा है इन वर्ब वो होती है जो कभी भी अपने एक्शन को जब शो करती है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाता है वो किसी भी स्टेट को शो करता है फॉर एग्ज़ाम्पल ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस वो जो है दौड़ा है तो यहाँ पर जो है ये पास नहीं हो रही है द बेबी स्लीप्स तो यहाँ पर ये यह कह रहा है बच्चा सोता है तो स्लिप सोता है ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट तक ही ये बात वर्ब तक ही खत्म हो गई तो यहाँ स्टेट को शो कर रहा है कि वो बच्चा सोता है इन सिंपल वे अगर बात करें ट्रांजेटिव वर्ग में हमेशा ऑब्जेक्ट की नीड होती है और इन ट्रांजेटिव वर्ग में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है ओके okay? नेक्स्ट है ऑग्जलरी और हेल्पिंग वर्ब्स दे आर यूज्ड टू फॉर्म अ टेंस ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब ये कह रहा है ये हमेशा टेंस में यूज होती है कुछ मेन वर्ब के साथ में प्रिंसिपल वर्ब के साथ में फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग होम टूडे द बॉयज आर प्लेइंग सो ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सलरी वर्ब है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन वर्ब्स आर टू पॉइंट अभी ये कह रहा है हमने पढ़ तो लिया भाई ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सलरी ये कह रहा है इनके वर्ग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो टाइप की और वर्ब होती है वो कौन सी होती हैं मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब रीड राइट ईट ड्रिंक एक्सेट्रा ऑक्सलरी और हेल्पिंग वर्ब होती है डू हैज़ हैव कैन जितनी भी मॉडल्स होती है डू फॉर्म्स होती है डू डिड डन हैज़ हैव Was word, ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब में हमेशा पूरा जो है जो साथ देती है ठीक है एडवर्ब इट इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब ये कह रहा है एडवर्ब वो होता है जो हमेशा वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन देता है या एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करता है वर्ब के एडजेक्टिव के और दूसरे एडवर्ब के फॉर एग्जाम्पल ही प्रनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली दिस फ्लॉर इज वेरी ब्यूटिफुल प्रिपोजिशंस इट इज अ वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू सम एल्स वो वर्ड जो नाउन और प्रनाउन का रिलेशन शो करता है पर्सन और थिंग्स के साथ और बताता है कि उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है क्या इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल देर इज अ काउ इन द गार्डन द गर्ल्स इज फाउंड ऑफ म्यूजिक कंजक्शन इट इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेज वो वर्ड जो हमेशा सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं वर्ड्स को फॉर एग्जाम्पल टू एंड टू मेक फोर सो ये जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है आई रेन फास्ट बट द मीज द ट्रेंड सो कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं जो पूरे सेंटेंस को वर्ड को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं कनेक्ट करते हैं इंटरजेक्शन इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इंटरजेक्शन वो होता है जब कभी भी हम कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तो हम इमोशन जब शो करते हैं जैसे हमारे लग जाती है, तो हम कहते हैं औच या अगर हम जीत जाते हैं तो कहते ये जो हम ये वर्ड यूज करते हैं तब जो है इन ये सभी वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं जो सडन फीलिंग होती है अचानक ही वी हैव वन द मैच अलास इज दैट अलास इज दैट ओह वो मर गई ठीक है सो so, ये सारे जितने भी हमने आ, जो है पार्ट ऑफ स्पीच एट पढ़े हैं हमने यहाँ पर ठीक है सो so, आप जो है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर जो है डिटेल वीडियो बनाऊँ पॉइंट टू पॉइंट लेके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सो so, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए जो है लेके आऊँगी सो so, यहाँ पर मैंने कुछ एम दिए हैं एटलीस्ट टेन क्वेश्चन मैं देने की कोशिश कर रही हूँ आपको सो so, आप इसे ज़रूर सोल्व कीजिएगा जो कुछ भी हमने पढ़ा है आप कितने सही कर पाते हैं तो आप मुझे इसके आंसर जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा एट द लास्ट यू विल गेट द आंसर और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओके आई होप सो कि आपको आज पता चल गया होगा पार्ट ऑफ़ स्पीच क्या होते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो भी इंग्लिश पढ़ता है उसे ये डाउट रहता है कि पार्ट ऑफ़ स्पीच क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं तो आज हमने जो है थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है इसके बारे में और आई होप सो कि आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा इसके बारे में कि आखिर पार्ट ऑफ़ स्पीच क्या होते हैं तो आप मुझे इनके आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा एट द लास्ट यू विल गेट द आंसर ओके सो आई होप सो क्या को ये बहुत क्लियर हो गया होगा सो हेयर आर योर आंसर्स जस्ट चेक इट प्रॉपरली हाउ मेनी यू हैव करेक्टेड थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नास पाठशाला थैंक यू टेक केयर बाय